और काम नहीं है क्या? तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की सख्त जरूरत है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं दे रही। मेरे टाइप तो मुझे बहुत पसंद करती हो लेकिन इस बात को मानना नहीं चाहती हो। प्लीज गाइस, नो प्रॉब्लम ना। हम गुम हो चुके हैं। ग्रेट। ओह नो। मुझे इस जगह से बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। आई थिंक हमें कहीं और रुकना चाहिए, है ना? शायद आगे जाके कुछ भी ना मिले। यू मीन तुम्हें यहाँ का टॉयलेट यूज करना है? क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे भी नहीं जाना। मैं एक मिनट में आई। वेद मेरे साथ चलो। क्या ये जगह खुली भी है? मैं चलता हूँ। हाँ ये तुम्हारे साथ जाएगा। मैं यहाँ स्लीपिंग ब्यूटी के साथ रुकती हूँ। यू नो व्हाट, जब तक हम यहाँ रुके हमें कुछ करना चाहिए। बहुत मजा आएगा, क्या कहती हो? बेबी मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ भी करने की जरूरत है। हाँ लेकिन अगर तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो तो तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करती। Give me a kiss. Okay. बहुत जोर की टॉयलेट लगी है। ठीक है जल्दी आना। ये क्या? छोड़ो यार। माफ करना, मैं आपको डराना नहीं चाहता। नहीं नहीं ठीक है, मैंने आपको देखा नहीं। वाह वाह, आप तो काफी खूबसूरत हो। आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने आपको खूबसूरत कहा? क्योंकि आप मुझे किसी की याद दिलाते हो। मेरी माँ कहती थी जो इंसान खूबसूरती को पहचान सकता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और ये मेरे जवानी का राज है। मैं बस मजाक कर रहा था। मैं लॉरी रॉय टुसों, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ एक्चुअली हम खो गए हैं, आप रास्ता बता सकते हैं? मैं समझ गया तुम लोग स्प्रिंग ब्रेक्स पे निकले हो। हाँ हम इस वीकेंड अपने दोस्तों से मिलने फ्लोरिडा बीच जा रहे हैं। ओ हाँ स्प्रिंग ब्रेक्स, जब कॉलेज स्टूडेंट्स फ्लोरिडा बीच में मजे करने आते हैं तो तुम लोगों ने एग्जिट 14 लिया, वो डिटोर की वजह से। वो डिटोर तुम्हें एक्चुअली एग्जिट 15 पे ले आता है लेकिन तुम लोगों ने गलत एग्जिट ले लिया। होता है, कोई बात नहीं। अच्छा तो हम पहले नहीं? ओ नहीं, ये अक्सर होता है। मिक उठो मिक। मैं सोच रही थी कि मैं लॉरी को सब सच बता दूं। क्या? नहीं प्लीज नहीं नहीं। गॉड ये चीज मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये नहीं बता सकती। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, ये अभी क्यों बताना है? चुपचाप छुट्टी मनाते हैं, ये मजे करने का वक्त है, ऐसी बकवास करने का नहीं। हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो बकवास था। मुझसे गलती हो गई फेथ। ओके। और तुमने ही कहा था कि हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अब चीजें बदल गई। नहीं सब बिल्कुल वैसा ही है, हम दोस्त हैं, है ना? और हम जिंदगी भर हमेशा ऐसे दोस्त बनकर ही रहेंगे, तो जो हुआ उसका जिक्र भी मत करना, वो सिर्फ एक गलती थी, उसे भूल जाओ।
पहाड़ में जाऊं। इससे काम हो जाएगा। तो बस इतना ही? हाँ, इतना ही। हमें पीछे जाके एग्जिट 14 लेना है। हाँ, तुम्हें एग्जिट 14 लेना होगा जो यहाँ से 7 या 8 मील दूर है। थैंक यू। ओह, जब से मैंने फोटोग्राफी क्लास ज्वाइन की है तब से ये मेरे साथ रहता है। फोटो ले लूं? हाँ, क्यों नहीं। एक सेकंड, नहीं खींचो। लगता है शरीर से 2 किलो कम हो गए। ओह चुप रहो। वेल, मदद करने के लिए थैंक्स। अब हम चलते हैं। ओके। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ। तुम्हारा टॉयलेट कुत्ता भी ना यूज करे। तुम्हें कैसे पता? रुको, तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। Come on। नहीं। इसे गिफ्ट समझ के ले लो। मैं इसे खरीदना चाहूंगी। मेरी माँ कहा करती थी जब कोई प्यार से गिफ्ट दे तो उसे मना नहीं करते। पहन लो इसे। ये लो, ये मेरी तरफ से। थैंक यू। मुझे भी ऐसा एक गिफ्ट मिलेगा? नहीं, एक्चुअली वो हमारा लास्ट फ्री गिफ्ट था, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। मैं लॉरी को नहीं छोड़ने वाला और मैं चाहता हूँ तुम इसे कुछ मत बताओ, प्लीज फेथ। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी। थैंक यू। क्या चल रहा है गाइस? फेथ, तुम आगे आकर क्यों नहीं? गर्मी नहीं लग रही? काफी गर्मी। कैसे बैठे थे तुम लोग? हमारी एक अजीब आदमी से मुलाकात हुई। अच्छा, रास्ता पता चला? नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, देखते हैं। गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई। अब तुमने क्या किया? यार मैंने कुछ नहीं किया। जब लॉरी चला रही थी तब तो कार ठीक चल रही थी। तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ ठीक है, वापस ट्राई करो। कर लेते हैं। एक बार ट्राई तो करो। और नहीं चालू हो रही है। My God, are you serious? बैटरी चेक करो, नहीं स्टार्टर चेक करो, उसी में प्रॉब्लम होगी। नहीं, बैटरी और स्टार्टर दोनों ठीक। अगर गाड़ी मैं चला रही होती तो ऐसा नहीं होता। अरे इसे कोई चुप कराओ यार, दिमाग खराब कर रही है। हमें अभी फ्लोरिडा में होना चाहिए था, बीच पर मजे करते हुए, लेकिन हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था ये गाड़ी मत बुक करो। रिलैक्स दोस्त। यार दिखने में कितनी मनहूस लगती है ये। देखो शांत हो जाओ। ठीक करो इसे। ठीक करो इसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम है। ओके, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, हम ठीक हैं। ये स्प्रिंग ब्रेक तो अच्छे से याद रहेगा। चलो अब हमें अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानी मिल गई। बच्चे, तुम बच्चों के बारे में कब से सोचने लग गई? कार खराब हो गई है, अब हम क्या करने वाले हैं? रुको एक सेकंड, रुको। रॉय, उसे कॉल करते हैं। मैं कॉल करती हूँ, शायद उससे मदद मिल जाए। कोई अपना फोन देगा प्लीज। लेट्स जस्ट होप। इसे ठीक कर सकते हो? ठीक कर सकता हूँ, मैं कुछ भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे इसे अपनी शॉप में ले जाना पड़ेगा। गाड़ी में जगह कम है लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। चलो। ये बहुत खूबसूरत है, ये कौन है? ये खूबसूरत औरत मेरी माँ थी। सोच के बड़ी हैरानी होती होगी कि इतनी खूबसूरत औरत का ऐसा बेटा हो सकता है। इनकी ये एक ही फोटो है मेरे पास, वो बहुत ही अच्छी इंसान थी। हाँ, देखकर लगता है। यार प्लीज विंडो खोलो, किसी ने जहरीली गैस छोड़ी है। मैं नहीं सह सकता और। I'm sorry, मेरा ये दोस्त ऐसा ही है। माफ कर देना। सूत्रों से पता चला है कि उस जगह पर जाने वाले लोग अपने आप गायब हो जाते हैं। पुलिस को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, उन्हें डर है कि ये दोबारा हमला कर सकता है। ये मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है पर अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। हमें अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये लंबा चौड़ा बिल देगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास डाट का क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों, यस, मेरे पास एक अच्छी खबर है एक बुरी। तुम इसे ठीक कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। बस इतना ही? इसका क्या मतलब हुआ? हम समझ गए। कितने पैसे लोगे? कुछ भी नहीं। क्या मतलब?
तुम टेंशन मत लो, ये मेरी तरफ से। तुमने कहा एक बुरी खबर भी है, क्या है वो बुरी खबर? कोई ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारा फ्यूल पंप खराब हो गया जो मैं एक रात में ठीक नहीं कर सकता। एनीवे तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम हम पर बड़ा एहसान कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वेल, मैं भी तुम लोगों की तरह जवान हुआ करता था और उस समय मुझे भी मदद की जरूरत पड़ती थी, और मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला होगा। वैसे क्या तुम हमारी एक और मदद कर सकते हो? हाँ बताओ। किसी नजदीकी होटल का पता बता सकते हो? वो तो काफी दूर है, लेकिन वो सब छोड़ो, तुम लोग कॉलेज में हो? हाँ हम कॉलेज में ही हैं, क्यों? ये तुम्हारे मजे करने के दिन है और तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। मिस्टर ट्यूसेंट, वो मेरे पिता का नाम था, तुम मुझे रॉय बुला सकती हो। ये हुई ना बात। हे देखो, तुम्हारे बैग्स मैंने ऑलरेडी ट्रक में रख दिए हैं और मैं ना नहीं सुनने वाला। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। चलो। काफी दूर है ना? नहीं, इतनी दूर भी नहीं। अगर तुम उस रास्ते से जाओ जो जंगल से निकलती है तो तुम्हें मेरी दुकान दिखाई देगी, ये शॉर्टकट है। बढ़िया जगह है यार। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। वैसे भी इस जगह पे कोई आता जाता नहीं तो तुम मजे कर सकते हो। तुम एंजॉय करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। मुझे ये जगह थोड़ी अजीब सी लग रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी एक रात की बात है, जिंदगी नहीं गुजारनी। चलो। लगा नहीं था ये जगह इतनी अच्छी होगी। इसे तुम लोग अपना ही घर समझो। और हाँ, फ्रिज पूरी तरह से भरा हुआ है। बियर? जो भी उसमें है तुम यूज कर सकते हो। आप कितना कुछ कर रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम सब क्या करते। इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम एक काम कर सकती हो, चलो मेरे साथ चलो। ये बंदा तेरी गर्लफ्रेंड के पीछे। शराब देख लेना, पटा लेगा उसे। मार्क माय वर्ड्स। चुप रहो जोई, देख लेना। गॉड, जोई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बेकार गुड़िया। हटो यहां से। ये मेरी मां का कमरा है, मेरी मां का, और ये इस घर का सबसे अच्छा कमरा है। सिर्फ स्पेशल गेस्ट रहते हैं इस कमरे में, और मुझे तुम पर विश्वास है इसलिए। ओह प्लीज, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू सो मच, रियली। थैंक यू की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। मेरी माँ के बालों का कलर भी तुम्हारी तरह था, बस एक चीज अलग थी कि वो चोटी बांधा करती थी। मुझे अब जाना चाहिए। Yeah.
मुझे बियर मिल गई गाइस। वो घर के आईनों पे पर्दे क्यों लगे हैं? धूल से बचाने के लिए। तुम्हें अंधविश्वास लगेगा। वेल, मैं ऐसे ढक के रखता हूँ, यू नो। मेरी माँ कहा करती थी कि आईने के उस पार भी एक दुनिया है और हमें उसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं उन्हें हाथ नहीं लगाता। वैसे काफी देर हो गई है तो कम ऑन रॉय, तुम हमारे साथ यहाँ रुकोगे? आई बेट तुम्हारी कैपेसिटी हमसे ज्यादा है। दिखाओ अपने अंदर का जानवर। इन्हें जाने दो जोई, काफी लेट हो गया है। पक जाएंगे यार, यहाँ ना कोई टीवी है ना कंप्यूटर। 70s के जमाने का घर है ये। पता नहीं, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जरा भी शोर नहीं। बकवास। अच्छा रॉय, तुम बताओ तुम यहाँ टाइम पास के लिए क्या करते हो? पीकर टल्ली हो जाते हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या तुम चुप रहोगे प्लीज? जोई, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं भी जवानी में तुम्हारी तरह था। मुझे पता था। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारी उम्र में क्या किया करता था। क्या करते थे? कहानियां सुनाया करते थे हम। कूल। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ। मेरी माँ मुझे ये कहानी अक्सर सुनाया करती थी। जैसे भूतों की कहानी? हाँ बिल्कुल, भूतों की कहानी। लोग कहते हैं कि एक लड़की 150 साल पहले इस कैबिन में मर गई थी। उसे उसके प्रेमी ने जहर दे के मार दिया था। वो प्यार जिसके लिए उसने अपना घर बार तक छोड़ दिया, उनका प्यार उनके फैमिली बिजनेस के लिए नुकसानदायी था, जिससे पूरा टाउन चलता था। तो टाउन वालों ने उस प्रेमी को लड़की के खिलाफ भड़काया और उसे विश्वास दिलाया कि वो चुड़ैल है। लेकिन जब उसकी प्रेमी ने उसे मारा तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो उसने कसम खाई कि वो उसे वापस लाएगा। तो उसने खुद काले जादू का सहारा लिया। वो एक अंधेरे कमरे में ऑल्टर के नजदीकी मंत्र 5 बार दोहराता, मेरे पास वापस आओ डेज़रे, मेरे पास वापस आओ डेज़रे, मेरे पास वापस आओ डेज़रे। और एक दिन वो लौट के आई, पर वो पहले जैसी नहीं थी। वो बीमार थी और उसे इतना दर्द होता कि वो वापस मर जाती। तो उसके प्रेमी ने और गहराई से काले जादू के बारे में जानना शुरू किया, मगर कुछ हुआ नहीं। उससे पता चला कि एक ही हल है, वो है सैक्रिफाइस। मैं समझ गया, एक इंसानी सैक्रिफाइस। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, उसने उसकी बहन की बलि दी, ये सोच के कि डेज़री ठीक हो जाएगी। फिर वो रुका और रुका और अचानक डेज़री ठीक हो गई। वो डेज़री बहुत ही बुरी इंसान रही होगी, खुद तुम्हारी और उस बेचारे को भी मरवाया। हाँ वो बहुत बुरी थी, एक कहानी, एक कल्पना थी वो, एक भ्रम उसके प्रेमी के लिए। और जब वो जिंदा हुई तो उसने बड़े प्यार से अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया और उसने अपनी मौत का बदला ले लिया। वो पक्का चुड़ैल थी। चलो अब मुझे जाना होगा। अच्छा सुनो, टॉवल्स और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वो पीछे वहां अलमारी में है, नल में सिर्फ ठंडा पानी आता है। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो फर्स्ट एड वहां रखा हुआ है। तुम नर्स की पढ़ाई कर रही हो ना? ये तुम्हें कैसे पता? अच्छा चलो, तुम सब लोग एंजॉय करना और सेफ रहना। बाय रॉय। तो तुम्हें क्या लगता है, रॉय जो कह रहा था वो सच है? पता नहीं, पर ये जगह थोड़ी अजीब सी है, शायद सच हो। हुआ भी है तो क्या फर्क पड़ता है, 100 साल पुरानी बात है। मेरा फोन बंद होने वाला है, किसी के पास चार्जर है क्या? शायद मेरा कार में है, शायद पर्स में मेरा चार्जर है। तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो, क्या किसी ने मेरा फोन देखा? किसी एक को बैटरी बचानी होगी, कल सुबह हमें रॉय को कार के लिए कॉल करना होगा। नो वरीज, मेरे फोन की बैटरी फुल है। अब हम क्या करें यार, यहाँ ना टीवी है ना कंप्यूटर है। वेकेशन की तो वाट लग गई। तुम लोगों का तो नहीं पता, पर स्लीपिंग ब्यूटी को नींद की बहुत जरूरत है। हो क्या गया फेथ? हमें मस्ती करनी चाहिए, पीकर धमाल करना चाहिए हमें। मैं तो कहता हूँ हमें शॉट्स लेने चाहिए जब तक टोन होकर गिर ना जाए। नींद आ रही है। Come on guys, बुढ़ों की तरह बिहेव मत करो। जो लास्ट तक खड़ा रहेगा वो किंग या क्वीन कहलाएगा इस पूरे ट्रिप का। मेरा मन नहीं है। ओके, तब तक पियो जब तक तुम्हारा मन करे। जब तुम्हें लगे कि तुम और नहीं पी सकते हो तो रुक जाओ, पर तुम्हें एक टोल देना पड़ेगा। और वो टोल क्या है? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा दारू ना पीने के लिए। तुम्हारा मतलब जैसे कोई डेयर?
हाँ जी, जैसे कि कोई डर। डियर, मुझे नहीं लगता हमें ये सब करना चाहिए, जाकर सो जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये आइडिया अच्छा लग रहा है। मैं तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? बोलो, तैयार हो? मिक, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मैं थक गया हूँ और मुझे अभी बस सोना है। तुम सड़े हुए केले की तरह हो, एकदम बोरे। वैसे ये जगह भी बहुत अजीब है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? I don't know. मर्द बन मर्द। ओ कम ऑन मिक, बहुत मजा आएगा। ठीक है ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो चलो करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, वैसा कुछ नहीं हुआ था। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं। मैं अकेला नहीं था जो चीटिंग कर रहा था, मेरे साथ फेथ भी तो थी। मैं नहीं थी। तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान हो। वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है। झूठ बोलना कला है भाई। ओ वैसे तुम्हें पता है 80% लोग ज्यादातर सिचुएशंस में झूठ बोलते हैं। देखा, मैंने बोला था ना, हम सब झूठे हैं, सब। अच्छा ठीक है, तो आज की रात हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, ओके? कम से कम ट्राई करेंगे, ठीक है? क्या? बस भी करो, मैं तुम तीनों के मुकाबले ज्यादा पीता हूँ। डूड, तुम तो ये अभी ऐसा बोल रहा है पर सबसे पहले यही आउट हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अपना टोल पे करने के लिए तैयार हूँ। टोल पे करो। बताओ मुझे क्या करना है। हाउ अबाउट तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने प्राइवेट पार्ट की पिक्चर भेजो। मजा आएगा। ठीक है, मैं करूंगा। मैं स्पोर्ट्समैन की तरह अपना टोल पूरा करूंगा। मैं अपनी पिक्चर अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्या, उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी भेजूंगा। नो वे, ये सच में कर रहा है? सच में कर रहा है? यकीन नहीं होता। तुम्हें पता है तुम्हारा और मेरी दादी माँ का नंबर सेम है। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, उसकी फोटो तो आई ही नहीं है। अपनी आंखें खोल कर देखो। ऑलराइट, अब तुम्हारी बारी। योर टर्न लॉरी। ठीक है, वैसे तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। चलेगा, मैं कर लूंगी। पक्का? लॉरी, तुम ये सच में करोगी? अब जोई ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। तुम बुलाओ की डेजरी को। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती। डेजरी को बुलाओ। चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? बताता हूँ बाबा। ये कितना अजीब है। संभल कर। तुम्हें डेजरी को बुलाना होगा। डेजरी। जोई ऐसा मत करो, ये हमारा नहीं है। जोई क्या कर रहे हो? रुको ना, मैं इसके हाथ ठीक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाऊंगा जिससे तुम जिंदा हो सको और बाकियों को भी जिंदा कर सको। हमें बलि चढ़ानी होगी। बहुत बढ़िया काम किया तुमने उस गुड़िया को वहां रख के। तुम्हें पता है ना ये पागलपन है? हाँ पता है, उसी में तो मजा है। तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे क्या? आओ। अब क्या करना है? तुम्हें डेजरी को कुछ देना पड़ेगा। ए, दूर हटो। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के कंधे पे सिर रखने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत पी ली है। ऑफरिंग। तुम सब के सब पागल हो। ओके गाइस, मैं तैयार हूँ, शुरू करते हैं। तुम वापस आ जाओ। हमने बस चार बार बोला। लॉरी, तुम्हें आखिरी बार बोलना होगा। क्यों, तुम लोगों को डर लग रहा है? ओके। लॉरी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, ये पागलपन है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। जूई, उठो यहाँ से। डेजरे, तुम वापस आ जाओ। Oh my God! बचाओ। वो डरावना था। Come on guys, तुम लोग कितना डर गए। ऐसा लगा मैंने खुद लगा दिया। वापस आ गए। उठ जाओ जूई। आराम से आराम से। ये बड़ा ही अजीब था। ब्रो, तुमने देखा? वो वापस आ गई। वापस आ गई डेजरी। शांत देखा मैंने। शांत हो जाओ, बैठो। तुम ठीक हो? जरा देखो, लॉकेट नहीं मिल रहा। वो सिर्फ एक लॉकेट ही तो है।
हाँ लेकिन जाने दो, उसे कल ढूंढ लेंगे, अभी सोने चलते हैं। नहीं मुझे और खेलना है, मुझे अब नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना नहीं है। ओके ठीक है मैं नेक्स्ट, चलो नहीं सोएंगे, लेट्स डू इट। मैं टोल पे करने के लिए तैयार हूँ, पूछो मुझसे कुछ भी, चलो स्टार्ट करो। क्या तुम तैयार हो? हाँ ओके। डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट, डीपेस्ट सीक्रेट, ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल नहीं है? ये सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं बताती हूँ। Are you sure? मैं बताना चाहती हूँ। चार महीने पहले मैंने अबॉर्शन करवाया था। What? क्या बात कर रही हो? काश ये नहीं हुआ होता। No! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं बता सकती थी, किसी को भी नहीं बता सकती थी। तुमने ये सब अकेले कैसे कर लिया? वो मुझे और मेरे बच्चे को नहीं चाहता था, मुझे ये करना पड़ा। यार तुम तो कॉलेज की हॉटेस्ट लड़की हो, कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। बस हुआ, मुझे लगता है अभी के लिए इतना ही काफी है, चलो सोने चलते हैं। मुझे खेलना है। फेथ, मुझे पता है तुम डिस्टर्ब हो, लेकिन हम इसके बारे में अकेले में बात कर सकते हैं। क्यों? उससे क्या होने वाला है? जो हो गया है वो हो चुका है। मिक कम ऑन, क्या तुम टोल नहीं भरना चाहते? नहीं मुझे नहीं खेलना। फेथ रुको, कहाँ जा रहे हो गाइस? बेटा कैसे हो? Hey Dad, sorry कॉल करने में देर हो गई। Actually हमारी कार खराब हो गई। कार खराब हो गई? कैसे? अभी हो कहाँ? कहीं हाईवे 131 पर हैं। देखो तुम घबराओ नहीं, तुम जहाँ पर भी हो मैं आ जाऊँगा। सुनो, मिक, अगर कार खराब हो गई है, तो मैं आकर उसे ठीक करवा दूँगा। आखिर वो कार है तो मेरी। Dad अभी मैं बच्चा नहीं हूँ। मिक मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम तकलीफ में हो या तुमने ज्यादा पी ली है तो मैं तुम्हारी आके मदद कर सकता हूँ। एक डैड अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकता है। रुकिए डैडी एक सेकेंड। वहां कोई है? रॉय क्या ये तुम हो? एक मिनट में, अभी रॉय कौन है? सुनिए डैड, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं, मेरी बैटरी जल्दी खत्म होने वाली है। मेरी बात सुनो मैग, रॉय हो गई। फेथ ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं नशे में हूं और डिप्रेस्ड। ओके चीज का कोई मतलब नहीं, सिर्फ टाइम पास। Wow.
friends from afar. तुम वहाँ अजीब क्यों बिहेव कर रहे थे? ये सब अभी नहीं लॉरी। क्या तुमने मेरी बैग देखी है? शायद तुम उसे टो ट्रक में भूल गई हो। अपने नए दोस्त रॉय को फोन क्यों नहीं करती? वो तुम्हारी मदद करेगा। क्या मैं तुम्हारी टी शर्ट पहन सकती हूँ? ठीक तो हो? हाँ, बस एक बुरा सपना था। मैं ठीक हूँ। वहाँ कौन है? यहीं रुको। फेट जोई, क्या ये तुम हो? उठो उठो, चलो उठ जाओ। लॉरी, फिक्र मत करो। ऑल राइट, तुम ठीक हो जाओगे। तुम ठीक तो हो? hey. मैं डर गया था जोई। क्या इसे डॉक्टर की जरूरत है? I'm fine. मैं कॉल करती हूँ। ने मेरा फोन देखा है? मैं जरा अपने बेडरूम में सोने जा रहा हूँ। इसे बिस्तर तक ले जाओ। क्या किया जोई? इसे बिस्तर तक ले जाओ। फिर सॉरी, मुझ पर उल्टी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं साफ करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं अभी साफ करता हूँ, एक मिनट रुको। कितना गंदा है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? ये इतनी बड़ी बात नहीं है।
जोई कैसा है अब? वो अब ठीक है, उसे नींद की जरूरत है। तुमने मेरी बैग वाकई में नहीं देखी, कुछ याद आ रहा है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सीरियस, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मेरी टी शर्ट पहन लो, बाद में देख लेंगे। तुम्हारी टी शर्ट से बदबू आ रही है। क्या कर रही हो? ये तुमने ही यहाँ रखा? क्या, नहीं तो? ये ड्रेस तो देखो, अच्छी है ना? क्या तुम सच में इसे पहनने वाली हो? ये मेरी साइज की है। हाँ, पर ये किसी मरी हुई औरत की ड्रेस हो सकती है। मुझे लगा तुम ऐसी बातें नहीं मानते। नहीं मानता, पर मैं तुम्हें किसी दूसरे की ड्रेस में नहीं देखना चाहता। ओ, कैसे लग रही हूँ? वाओ, नाइस। ओह, क्या हुआ? फोन की बैटरी खत्म हो गई। तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास नहीं है? नहीं। तो हम बिना फोन के रॉय को कॉल कैसे करेंगे? पता नहीं। कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? लॉरी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं लॉरी। फेथ, सच में प्लीज मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से पूछना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? जोई को कुछ हो गया है। जोई, जोई, अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? हमें बस इंतजार करना होगा। इसे साइड पे ले डालो। क्या इसे कोई दवाई देनी चाहिए? नहीं, हमें इंतजार करना होगा। इसे साइड पे क्यों नहीं ले डालते? कोशिश कर रहा हूँ फेथ, अब और क्या करूँ? फिक्र मत करो। क्या तुम्हें लगता है वो ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता इसे हुआ क्या है। क्या तुम जरा मदद करोगी? वो अभी सो रहा है। उसका फोन कहाँ है? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। हे जोई, तुम्हारा फोन कहाँ है दोस्त? हे जोई, 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 तुम्हारा फोन कहाँ है? जोई, जोई, तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन नहीं है, एक भी नहीं है। किसी के पास भी फोन्स नहीं है, सारे फोन्स गए कहां? अजीब है। मैं रॉय की शॉप में जा रहा हूं, शायद मुझे वहां कोई फोन मिल जाए। जोई के लिए मदद लानी होगी और फिर यहां से निकलना है। सुबह के 6 बज रहे हैं, इसकी क्या गारंटी कि वहां कोई होगा? तो क्या हम जोई को ऐसे ही छोड़ दें? मुझे नहीं पता, शायद उसे अल्कोहल पॉइजनिंग हुई है। कल रात तुमने उसे इतनी दारू जो पिलाई। क्या कहा? तुम मजाक कर रही हो? तुम मुझ पर ब्लेम डाल रही हो? जहां तक मुझे याद है फेथ, कल रात तुम सब नशे में थे और तुमने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। गाइस प्लीज, प्लीज शांत हो जाओ, आपस में लड़ना बंद करो, जोई के बारे में सोचो। अगर उसकी बीमारी कंटेजियस होगी तो? हैंगओवर और सीजर्स कंटेजियस नहीं होते डॉक्टर क्लेवर, बस करो। एक बात कहूं, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, इसे डिसाइड करने दो क्या करना है। वैसे भी मेडिकल कंडीशंस के बारे में इससे ज्यादा किसे पता है? प्लीज लड़ना बंद करो। ओके, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता, पर फिलहाल जोई बीमार है। तुम प्लीज उसका ख्याल रखोगी, हम दोनों बाहर जाकर कुछ अरेंज करेंगे, ठीक है? ठीक है।
तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। अच्छा तो अब मैं बुरा हूँ? अब मैं बुरा बन गया? क्या हम सही रास्ते पर हैं? हाँ, हम सही रास्ते पे हैं। तुम्हें कैसे पता? कल रात को कुछ नहीं दिख रहा था। ये सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। हे लॉरी, हे तुम्हारे और फेथ के बीच में क्या चल रहा है? मुझसे झूठ मत कहना। देखो मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? दो दिन बहुत ही अजीब रहे हैं तो हम इसे भूल जाते। तुम्हारा अफेयर था क्या? बनो मत, मुझे पता है, तुम मुझे सच बताओ। पता नहीं उसने तुमसे क्या कहा है पर वो सच नहीं है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे बस शक था और तुमने यकीन दिलाया। तुम ये कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा बच्चा था। सुनो, ये मुझे भी नहीं पता था लॉरी, मुझे सच में नहीं पता था लॉरी। सुनो, नहीं। रुको तो, मेरी बात तो सुनो लॉरी। लॉरी रुको,
जोई, जोई, जोई। ओह थैंक गॉड। हेलो, हेलो। 911 डिस्पैच। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरा फ्रेंड बीमार है, बहुत बीमार है। हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन हमारी हमारी कार खराब हो गई है। मैम, आप थोड़ा शांत हो जाइए और सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मैंने बताया कि हमारा फ्रेंड बीमार है, हमें हेल्प की जरूरत है। प्लीज जल्द से जल्द पुलिस को भेजिए। ओके, हम तुरंत मदद भेजेंगे। आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं? क्योंकि आपकी लोकेशन सिस्टम पर नहीं दिख रही है। मुझे एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन हम किसी कैबिन में रुके हैं। क्या आप अपने नजदीक का कोई लैंडमार्क बता सकती हैं? मुझे सोचने दो। एक गैस स्टेशन है कुछ मील दूर, उसके बाजू में एक रिपेयर शॉप भी है। क्या आप वहाँ का स्ट्रीट नंबर बता सकती हैं? एक मिनट मुझे सोचने दो। ओके, हम लोग हाईवे 131 से आ रहे थे और फिर हमने एग्जिट 14 लिया। हाँ, एग्जिट 14। मैम, क्या आपने एग्जिट 14 कहा? हाईवे 131 की एग्जिट 14? हाँ हाँ, वही। मैम, एग्जिट 14 नाम की कोई जगह ही नहीं है। क्या? हेलो, हेलो, हेलो। लॉरी, लॉरी, जरा रुको तो मेरी बात तो सुनो। तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर किया, इट्स ओवर। लॉरी, लॉरी, मुझे बस रॉय के यहाँ का फोन यूज करना है और यहाँ से निकलना है। लॉरी, वो एक गलती थी। गलती तो मैंने की है। लॉरी प्लीज, मुझे बस घर जाना है। प्लीज मेरी मुझे बात तो सुनो। छोड़ो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लॉरी, लॉरी रुको तो सही। लॉरी, हे, तुम्हें कैसे पता चाबी वहां पर थी? लॉरी, कोई है? ये लॉक्ड है। लॉरी, रॉय, लॉरी, क्या? तुम्हारी बैग देखो, यहाँ है, और तुम्हारा कैमरा भी। ओह, मेरा सामान, सब कुछ है। ये देखो। क्या है ये? ये देखो, ये कैसे हुआ होगा? मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हमें यहां से निकलना होगा अभी। रुको, फोन। ये बंद है। फोन गया भाड़ में। गाड़ी की चाबी ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी। चाबी मिल गई? नहीं, पर ढूंढती रहो, यहीं कहीं होगी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस अभी आया। Thank you.
पुराना एंशिएंट सैक्रिफाइस यानी कि मौत जरूरी है। क्या है ये? मिल गई। कार स्टार्ट नहीं हुई तो? मुझे तो लगता है ये सब किसी का प्लान है। शायद हमें कोई फंसाना चाहता है। जोई को लेते हैं और यहां से निकल जाते हैं। दत्त, तुम यहीं रुकना। अब कोशिश करके देखो। तुम लोगों को यहां नहीं होना चाहिए था। और कौन सैटरडे की सुबह इतनी जल्दी उठता है मेरे अलावा, है ना लॉरी? रॉय, हमने सोचा जल्दी निकल जाते हैं इससे पहले कि ट्रैफिक बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल सही सोचा तुमने। ट्रैफिक तो होगा ही। हाँ, तुम काफी स्मार्ट हो। अब मैं समझ गया तुम इसे क्यों पसंद करती हो। ये बहुत ही होशियार है। मैंने देखा कि तुमने वो स्पेयर चाबी से शॉप खोली। काफी इंटेलिजेंट हो। नहीं, हमने जानबूझ के। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, एक चाबी हमेशा टायर में रखा करो, पता नहीं कब काम आ जाए। कहना क्या चाहते हो? हमें बस यहाँ से जाना है। जाना है? रॉय, तुमने हमारे लिए जो भी किया है उसके लिए थैंक यू सो मच, पर मैं जानना चाहता हूँ कि कार रेडी है या नहीं। मुझे लगता है तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है। हा? जैसा कि मैंने कहा, हमें बस यहाँ से जाना है। तुम क्या कर रहे हो? लॉरी, कार में जाकर बैठो। मैंने कहा कार में जाकर बैठो, जल्दी। ये किस किस्म की भाषा है, वो भी एक लड़की के साथ? तुम्हारी माँ ने कोई मैनर्स नहीं सिखाया? रॉय, प्लीज, हमें बस यहाँ से जाना है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। चोट पहुंचाना? वाह, मैंने तुम्हारी कार रिपेयर की, तुम्हें रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, और तुम मेरा शुक्रिया मेरे शॉप में घुसकर मेरी ही गन मुझ पर तान रहे हो। तुम्हें पता है मेरी माँ हमेशा कहती थी कि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। घर में जाए तुम्हारी माँ, और तुम भी। उनके वो सारे भाषण जो सब तुम अभी कह रहे थे, वो सारे बकवास है, तो भाड़ में जाओ। उन्होंने तुम्हें सब गलत सिखाया है और तुम बस एक अजीब किस्म के पागल इंसान हो। इस्तेमाल करना जानते हो इसे? वो काफी पुरानी है, काफी पुरानी। सुनो, ये गन मुझे वापस कर दो और मैं भूल जाऊंगा कि ऐसा कभी कुछ हुआ था। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। देखो, मैं जानता हूं कि कल रात तुम्हारे लिए काफी भारी रही, तुम थके हुए हो, तुम्हारे दोस्त की तबीयत भी ठीक नहीं। तुम्हें कैसे पता जोई की तबीयत खराब है? क्या किया तुमने उसके साथ? देखो, जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब? लॉरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तुम अभी भी उसे बचा सकते हो। सब ठीक है, सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिक्र मत करो लॉरी। लॉरी, यहां देखो, मेरी तरफ देखो। Lori!
हे लॉरी लॉरी नहीं 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 लॉरी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता लॉरी लॉरी सब कुछ ठीक कर दूंगा ठीक है ठीक है मेरी तरफ देखो तू वापस आ गई रॉय रॉय नहीं ये मैं हूं मिक लॉरी ये मैं हूं मिक सब ठीक है ये मैं हूँ मुझे दूर रहो लॉरी ये मैं हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं मिक हूँ मैंने कहा मुझे दूर रहो लॉरी रॉय लॉरी मैं मिक हूँ रॉय मुझसे दूर
रॉरी, ये मैं हूँ मिक। रॉय, रॉय, मुझसे दूर रहो। मुझे जोई कहीं मिल नहीं रहा, और लॉरी तुमने मुझ पर हमला किया। क्या? हाँ। शायद मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुमने कुछ नहीं किया लॉरी, तुमने कुछ नहीं किया। देखो ये सारी मेरी गलती है, फेथ, जोई और तुम, मेरी गलती है। तो भूल ही गई। रॉय, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू मॉम। ओह, कस्टमर। ठीक है मॉम, मैं अभी आया।
हेलो, कोई है? कोई है अंदर? एक सेकेंड, आया मैं। हाय। हाँ कहिए। हाँ, मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा, उसका फोन स्विच ऑफ है। हो सकता है आपने इसे कहीं देखा हो, ये मिक है। देखिए, हो सकता है शायद, कई लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, यू नो, शायद देखा हो। काफी लोग आते हैं। हाँ? क्या क्या मैं वो फोटो वापस देख सकता हूँ? क्यों नहीं, थैंक्स। आपने फोन को उल्टा पकड़ रखा है, कुछ याद आया आपको? सॉरी, नहीं, इसे नहीं देखा। आप यकीन से कह सकते हैं? हाँ, एकदम यकीन। हाँ, मुझे आप पर भरोसा है। अगर आपने उसे कहीं देखा तो मुझे बताइएगा। मेरा कार्ड। सचमुच? हाँ, सच में। रियली? ठीक है, मुझे एक बात बताओगे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रॉय है।